हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये हमारी बड़ी बहन जी बोल रही है कि हमारा फोटो मत निकालना वाला, और उधर भाग गई। और ये रहा हमारा घर जो कि बनाया है हमारे फादर ने, 25 साल पुराना घर। और ये रही हमारी रसोई, और ये रहा मेरा छोटा वाला भाई और चिड़ मालिक, एक्सपर्ट आदमी, तैयार हो रहा है खेत के लिए। एंड इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा पुराना वाला घर, ये है आपका हमारा पॉली हाउस, आप देख सकते हो। एंड और आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में ब्रोकली का उत्पादन होते हुए। एंड अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन जो वैरायटीज़ हैं, ये देखिए। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्लांट्स, जो कि इम्पोर्टेड प्लांट हैं, इटली से इम्पोर्ट किए गए हैं। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन है, इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। जब क्या होगा पेड़ लगाएंगे मीटर मीटर में। अरे तो पेड़ में इतना गोबर छोड़ना पड़ेगा, वहाँ छोटा गड्ढा बनता है। मिला दिया यूँ तब लगाए पेड़ उसी टाइम। बेकार नहीं जाना गहरा यार, समझ आ कर उन्होंने बात। उस टाइम गड्ढा तो बनाना पड़ता है ना। और तुम यहाँ पे ढिंगाड़ी से कंपेयर मत करो, यहाँ पे बहुत ऑलरेडी गोबर पील के है। ये तो कैरी का बहुत होता है भाई। एक पेड़ में एक चीन तो डालना ही है उन्हें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्लांट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो लगता हुआ, जो वायर गेज है हम उसे इंस्टॉल करते हुए। ये जो प्राइमरी जो वायर है जो सबसे लो बेस में लग रहा है, इसमें जो ड्रिप वाला जो पाइप है वो फिट किया जाता है। तो ये कार्य जो है प्रोग्रेस में है, हालांकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट वी आर फिक्सिंग द प्रॉब्लम। जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आप देख सकते हो, वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, बड़े भाई साहब, जो लगे हैं वायर को फिक्स करने में। हेलो, अपने वीडियो में ऐसा भी इंट्रोडक्शन भी दिया कर, उनको ऐसा नहीं लगना कि साले मजदूर हैं। हम मजदूर अपनी उससे हैं, क्या बोलते उसका नाम, तो इच्छा से आराम से यहाँ आँख ना फोड़ दे तेरी। आ तो गए पानी के मालिक, देखो ऊपर से ज्यादा लंबी कर दी भाई। बोला अरे इसका दिस्ते है कि फर्जी लगा रहा है मान तू। अरे उन तक हाल निकाल लगा जी उन्होंने तो। इतना लंबा क्यों काटा भाई तो काट। अरे वो पहले वो वहां से नीचे वाले स्किन के लिए काटा था ना, लेकिन वो फिर वहां से काट दिया। आप देख सकते हो वीडियो में हमारे बड़े भाई साहब,
राजेंद्र चौहान, राजकोट पहाड़ वाले नाम से इनका भी यूट्यूब चैनल है। एंड ये भी बागवानी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड ये इस समय जो गोबर है उसको उसमें फंजीसाइड मिलाते हुए ट्राइको एचआर जो कि एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड है उसे मिक्स करते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब प्लांट लगाने की जो प्रोसीजर है अब वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो इधर वायर लग चुका है प्लांट के सपोर्ट के लिए, ड्रिप इरिगेशन वाला जो पाइप लगना है उसके लिए वायर लग चुकी है। एंड एक मीटर के डिस्टेंस पे गड्ढे भी बन चुके हैं। एंड इधर मेरे गेट फादर जी प्रिपेयर करते हैं और इधर इंजीनियर साहब खड़े हैं। हमारे राजकोट पहाड़ वाले बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, राजकोट जो है इन्होंने जो फंगीसाइड मिलाया है वो बेसिकली इधर दिखा भाई, इस एलिमेंट को एलिमिनेट करने के लिए मींस लगाया गया है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो कई सारी बीमारियां पैदा करता है, रूट बोरर, इसको बोलते हैं रूट बोरर। ये कई रूपों में पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा क्लोज व्यू दे दूं, ये देखिएगा, थोड़ा दूर और दिखने रहे हो वीडियो में, ठीक है। ये देखिएगा, ये रूट बोरर न है, ये देखो इसके कितने सारे दांत हैं, दिख रहा है भाई? नीचे रखो, जमीन पे रखो, ये देखो इससे रूट बोरर तैयार, ये रूट बोरर है। इससे हम लोग बहुत परेशान है, आप कोई विधि बताएं अगर आपके पास भी अगर है। ये एक तरीके के लिए सेब में ठीक वैसा ही काम करता है जैसे ह्यूमन स्पीसीज के लिए कोरोना काम कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज काम करते हुए पांचवा दिन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में जो आज का जो टास्क है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। टोटल 18 नालियों में से, टोटल 18 बेड में से हमने 16 बेड कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब सिर्फ दो ही बेड बचे हुए हैं। क्योंकि ये जो प्लांट है M9 है, ये इस तरीके से ही इसे लगाया जाता है, पहले से प्रॉपर तरीके से पहले बेड बनाया जाता है फिर उसमें इसे लगाया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में हमने आज का जो टास्क है वो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इधर देख सकते हो आप, इधर की तरफ आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में हम कुछ प्लांटेशन भी हम कर चुके हैं। एंड आप देख सकते हो कि अभी जो काफ़ी सारे जो बैग्स हैं, गोबर के बैग जो हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि अभी जितनी जो रेस्ट जो बेड बने हैं उनमें और प्लांट लगने हैं। टोटल 500 प्लांट इस बार ही लगने हैं, तो फिलहाल अभी हमारे प्लांट रिसीव नहीं हुए हैं, तो अभी हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद प्लांट रिसीव होंगे तो फिर उसे हम यहाँ पे इन बेड्स में प्लांटेशन करेंगे। एंड अभी जो हमारा इरिगेशन का जो सिस्टम है, जो ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है, वो भी अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर जो एक्सेसरीज़ है वो हमें मिली नहीं थी। आज हम मार्केट गए भी थे बट मिली नहीं हमें, तो वो जो एक्सेसरीज है वो देहरादून से मंगवानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे।